नमस्ते, स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, आज की स्पाइस बॉक्स में हम देखेंगे कैसे बनाते हैं स्वादिष्ट नीर डोसा। ये नीर डोसा कर्नाटका के सबसे फेवरेट डोसाज में से एक है। नीर डोसे में पानी ज्यादा होता है दूसरों की तुलना में, जो होते हैं काफी गाढ़े। नीर डोसा बनता है कसे हुए नारियल और भिगोए हुए चावल से। चावल हमेशा भिगोना जरूरी नहीं, धो करके सीधा भी पीस सकते हैं। नीर डोसा बनाने की सामग्री है चावल, कसा हुआ नारियल, नमक। मैंने ये चावल कल ही भिगोए थे ताकि मुझे अच्छा टेक्सचर मिले। अब मैंने इसको भिगोया हुआ है, इसी को पीस लूंगी। अब इसमें डालूंगी कसा हुआ नारियल। अच्छे से पीस कर पेस्ट बनाएंगे। इसे गाढ़ा नहीं बनाएंगे, इसे पानी वाला रहने देंगे। नीर डोसा बैटर अब तैयार है। अब इसमें डालूंगी नमक स्वादानुसार। एक तवा लेकर उसे गरम करेंगे, तेल से चिकना करेंगे। गरम तेल टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। ऊपर से डोसा बैटर को ऐसे डालेंगे। डोसा के चारों तरफ तेल डालेंगे, लीड से कवर करेंगे। ये एक तरफ पक चुका है, दूसरी तरफ भी पका लेंगे। ऐसे त्रिकोण आकार में इसे फोल्ड करेंगे। एक बार फिर तेल डालेंगे तवे पे। दो से तीन मिनट तक इसे पकने देंगे। ऐसे ही बाकी बचे हुए बैटर में से भी डोसे बना लीजिए। गर्मा गर्म नीर डोसा अब तैयार है। आप इसके मजे उठा सकते हैं चटनी और सांभर के साथ भी। आप सुबह या शाम को इसे बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पतले हैं, बच्चे इसे 4 से 5 खाना पसंद करेंगे।